देखिए किस तरीके से मिला रहे हैं उसको, ये देखिए। ये कुल स्वामी स्वामनी है, ये मराठी में लिखा हुआ है, लेकिन अगर हिंदी में बोलेंगे कुल स्वामी बुलाने ढाबा। ये आज रफीक भाई कौन सी डिश तैयार कर रहे हैं अभी? चिकन ड्राई तैयार हो रहा है, उसका प्रिपरेशन कर रही है। शिमला मिर्च लिए है और टमाटर लिए है। इधर देखो, इधर ये अपना तेल गरम हो रहा है। ये चिकन कितना है अपना? ये आप कितना? ये 25 पीस रहेगा, करीब 300 ग्राम के ऊपर रहेगा क्या? इसको अभी ड्राई करेंगे क्या? हाँ, इसको ड्राई करेंगे अभी। ये चिकन इसमें डाल दिया है, ड्राई हो रहा है अभी, थोड़ा सा दूर रहेंगे है क्या, तेल उड़ के लगने का रहेगा। अभी इसको 2 से 3 मिनट ड्राई करेंगे, गैस बहुत फास्ट है। ये इसमें शिमला मिर्च डाल दिए, शिमला मिर्च भी साथ में ड्राई करते हैं क्या? अच्छा, शिमला मिर्च को इसमें साथ में ड्राई करके निकालेंगे। ये टमाटर भी इसमें ऐड कर लेंगे ऑयल में, इसको भी फ्राई करेंगे। चिकन की बहुत सी डिश ट्राई की मैंने, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है कि ऐसा भरे तेल में चिकन, शिमला मिर्च, टमाटर, इसको फ्राई कर रहे हैं सारा। बहुत सी डिश ट्राई की लेकिन ये वाली फर्स्ट टाइम है, देखेंगे ये कैसे बनेगी। वैसे ये मेरे बांधे हैं, ये उनकी फेवरेट है, देखते हैं उनकी फेवरेट मेरी फेवरेट होती है या नहीं। ये डिश हमारे ये सैफ भाई इनकी फेवरेट है, तो इनकी फरमाइश पे हमने कहा मैं भी ट्राई करता हूँ, तो देखते हैं अभी ये डिश मेरी फेवरेट बन पाती है या नहीं। के अलावा कहीं मिलेगी नहीं, यहाँ के अलावा कहीं मिलेगी नहीं, ये मेरा चैलेंज है। ये सैफ भाई चैलेंज दे रहे हैं, ये डिश जो रफीक भाई बना रहे हैं ना, ऐसा टेस्ट किधर को मिलेगा नहीं। अभी ये ड्राई हो गया, उसके ये फ्राई दान में निकाल लिया दूसरे में, देखते आगे क्या करते हैं, इसका ग्रेवी बनाएंगे शायद। इसमें आलू भी ऐड किए जाएंगे। वैसे आलू महाराष्ट्र में और तेलंगाना साइड बिरयानी में, गोश्त में आलू बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, और जो लोग नहीं भी खाते हैं अगर वो एक बार ट्राई करेंगे तो मेरे ख्याल से वो भी खाने लगेंगे, क्योंकि आलू का एक अपना एक जायका होता है, अलग टेस्ट होता है। अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या उसका टेस्ट है। तो मुंबई में, औरंगाबाद में, तेलंगाना, हैदराबाद, इधर बिरयानी में, गोश्त में आलू लोग बहुत शौक से खाते हैं। बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि अगर शादी में खाना बना हो और बिरयानी या गोश्त में आलू ना हो तो लोग नाराज़ हो जाते हैं कि आलू क्यों नहीं डाले, क्योंकि लोगों के इतने फेवरेट हैं। तो ये आलू इसमें ऐड कर रहे हैं, आलू भी फ्राई हो रहे हैं, बॉयल आलू थे ये देखिए। ये आलू अपना फ्राई हो गया है, इसको भी निकाल ले रहे हैं। ठीक है, अब इसकी ग्रेवी तैयार हो रही है। क्या डाला है इसमें? हरी धनिया। हाँ, ये हरा धनिया डाला है। चार ये चाट मसाला ऐड कर लिया है, ये गरम मसाला, ये शक्कर, ये चीनी ऐड की है, नहीं अजीनोमोटो था। हाँ, ये नमक ऐड किया है और ये रेड चिली पाउडर ऐड कर लिया है, ये विनेगर ऐड किया है इसमें,
चिली सॉस भी ऐड कर लिया इसमें, ये सोया सॉस आ गया है, ये चॉप टमाटर का पानी डाला है इन्होंने, कुछ टमाटर इन्होंने फ्राई करके डाले थे ज़्यादा। हाँ ये लहसुन पेस्ट का ये सिरप है ये डाला है भाई ने, ये फूड कलर डाला है थोड़ा सा। भाई देखने में तो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा ये, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत शानदार आ रही है। ये देखिए देखने में भी बहुत शानदार लग रहा है। हल्का सा पानी ऐड किया और इसको खिलाएंगे। देखिए भाई का स्टाइल देखिए किस तरीके से मिला रहे हैं उसको, ये देखिए बहुत शानदार। आपका चैनल सब्सक्राइब हो रहा है यहाँ पर, इतना ही सब्सक्राइब। ये आलू जो फ्राई किए थे इसको अलग से, इसकी क्या ग्रेवी बनाएंगे? अच्छा इसको मसाले में मिला के उसमें डालेंगे, ऐड करेंगे हाँ ऐसा। इसमें भी वही सारे मसाले डाले हैं जो चिकन में पहले ऐड किए थे हल्का हल्का। ले लिया ये चिकन फर्स्ट वाला, इसमें ऊपर से धनिया गार्निश कर दिया है। अभी ये दाल हमारी तैयार हो रही है, क्या डाला इसमें? लहसुन है क्या? हरी मिर्च डाल दिया है, जीरा डाल दिया है, ये कड़ी पत्ता, ये टमाटर ऐड कर लिए हैं, इसमें हल्का सा टर्मिक पाउडर, ये हमारी दाल फ्राई रेडी हो रही है। अरहर की दाल है, इसको तुअर की दाल बोलते हैं महाराष्ट्र में, तुअर की दाल बोलते हैं। डाल दिया है ऊपर से, ये फ्राई प्याज है जो बिरयानी में यूज होती है ऊपर से, ये दाल हमारा रेडी हो चुका है हांडी में। ये चावल का वीडियो बना, ये हमारी डिश तैयार हो गई है। ये चिकन कौन सा था रफीक भाई? चिकन ड्राई है और ये फ्राइड आलू है और ये अरहर की दाल है, फ्राइड दाल। और ये हमारे शेफ है रफीक भाई, इन्होंने आज ये तैयार किया है, तो ट्राई करते हैं इसको रफीक भाई, फिर बताते हैं आपको।
ऑर्डर हमारा आ चुका है, देखते हैं। चिकन फ्राइड आ गया है, पोटैटो फ्राइड आ चुके हैं, दाल हमारी आ रही है अभी, ये प्लेटें आ गई हैं, ये दाल रोटी आ गई है, रोटी बहुत मस्त लग रही है, फर्स्ट क्लास। एक एक प्लेट रख दो यहाँ पर बीच। ये डिश कुछ अलग तरीके की है, हमने निकाल तो लिया है, इसको ट्राई करते हैं। ठीक ठीक है, ये दाल आप तब तक हम एक पहली बाइट ले लेते हैं। ये रोटियाँ हमारी एकदम मस्त हैं, पापड़ के तरीके से। तो पहली बाइट हम सोचते हैं चिकन से लेते हैं, तो चिकन में बहुत ज़्यादा जायका बन रहा है। अगर आप में तो कोई मुंबई में है कोकुली खालापुर पनवेल रोड पे, ये कुल स्वामी ढाबा है, अगर यहाँ से गुजर रहे हैं तो ज़रूर ट्राई करें। इनका जो ये चिकन है ना एकदम जूसी है और बहुत ही शानदार, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। रोटी आप देख रहे हैं कैसे रेशा रेशा हो रही है, बहुत ही लाजवाब। अगली बाइट तो दाल की लेते हैं, ये होटल के मालिक है मोहम्मद भाई, मोहम्मद भाई है ये, और मोहम्मद भाई ने जो सेटअप बढ़ाया है ना चिकन का, बहुत शानदार है। बाकी डिशेज भी बहुत लाजवाब है। मोहम्मद भाई शुक्रिया आपका कि हमारे और आपने इतनी शानदार डिश हमारे लिए तैयार करवाई, बहुत बहुत शुक्रिया आदर। तो ये नेक्स्ट बाइट लेते हैं दाल की, भाई दाल की बात करें तो नमक बहुत स्वाद अनुसार है और मिर्ची भी इसमें बहुत मामूली है, कोई ऐसा ज़्यादा नहीं है, बच्चे भी खा सकते हैं, नॉर्मल आदमी भी खा सकता है, अगर कोई धूम्रपान वगैरह करता है बिल्कुल सिगरेट तो वो भी खा सकता है, ऐसा नहीं कि वो नहीं खा सकता। और जो लोग ज़्यादा खाना चाहते हैं तो अपने टेस्ट के अनुसार मिर्च वगैरह ज़्यादा करवा सकते हैं। एक चीज़ रह गई वो भी हम आपको ट्राई करके बताते हैं, ये पोटैटो, ये भी उन्होंने तैयार किया था, रोस्ट पोटैटो है, इसको ट्राई करते हैं। पहले इसको फ्राई करेंगे, वो आपको वीडियो में देखने में मिलेगी सारी चीज़ें किस तरीके से इसको बनाया गया, इसको हम ट्राई करते हैं। भाई आलू जो है पोटैटो बहुत सॉफ्ट है, एक जब इसको थोड़ा मुझे तो इसमें से ऊपर की जो स्टफिंग थी वो तो एक अलग थी, उसका एक अपना स्वाद था, लेकिन जो अंदर से इसका जायका आया वो बहुत शानदार जायका था, एकदम सॉफ्ट है, जैसे आपने कभी छेना रसगुल्ला खाया हो तो उसकी जो सॉफ्टनेस होती है बिल्कुल उसी तरीके से, वो मीठा होता है, ये थोड़ा स्वादिष्ट है, एकदम चटपटा है, उसका टेस्ट अलग होता है, लेकिन मैं बताना चाहता था कि सॉफ्टनेस जो होती है बिल्कुल रसगुल्ले की तरीके से है। तो खाना हम आगे ट्राई करते हैं, ये चलो दो 15 मिनट का खाना करके मैं आपको कॉल करता हूँ। ये फ्राइड, क्या कहते हैं उसको, फ्राइड बगरा राइस, हाँ फ्राइड बगरा राइस, इसमें ये आपने पीला पीला से देखा है, इसमें ज़ाफ़रान डाला जाता है, उसको भिगो के उसका ज़ाफ़रान का पानी, जिसकी वजह से इसका रंग येलो आपको लग रहा है उसका, तो उसको बहुत शानदार आ रही है, आप ट्राई करके देखते हैं कैसा है। तो पहले सो उसमें ले लेते हैं, एक बाइट लेके देखते हैं कैसा है। अच्छा, इसको बनाने वाले जो शेफ हैं उन्होंने कहा कि इसको आप विदाउट दाल विदाउट ग्रेवी से आप इसको ले सकते हैं, इसमें इसमें टेस्ट है, देखते हैं क्या है। बात तो उनकी सही है, चावल बहुत सॉफ्ट है और नमक भी एकदम
ज़्यादा नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सॉफ्टनेस है। और ऊपर से जो इसमें स्वाद आ रहा है इसका फ्राइड प्याज का, ये जो है बहुत शानदार लग रहा है इसका। अभी यहाँ खाना खा रहे थे, ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है और अभी हम इसी में रवाना होने वाले हैं। ये खालापुर रोड है, पनवेल से खोपोली क्या पनवेल वाला रोड है जो मुंबई पुणे वाला, ये वो रोड है। सामने आपको बोर्ड दिख रहा होगा ढाबे का। और यहाँ एक पेट्रोल टैंक है, ये बंद है, जस्ट उसके बाजू में है, बगल में है। आप यहाँ विज़िट करें तो यकीन जानिए आपको बहुत अच्छा टेस्ट मिलेगा यहाँ का, क्योंकि हमने जो खाना खाया और जो टेस्ट था हम वही आपको बता रहे हैं। इसलिए क्या जो हमने खाना खाया जो असल टेस्ट था वो हमने आपको बताया है, इसमें कोई लफाजी वाली बात नहीं है कि टेस्ट कुछ और था बता कुछ और चीज़ कौन है। इसलिए कि खाने के हम भी बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, अलग अलग किस्म की डिशें खुद भी बनाते हैं और खाते भी हैं, और लोगों को सजेस्ट भी करते हैं कि अगर कुछ बनाना हो तो उनसे पूछ सकते हैं किस तरीके से, क्या हमारे कुछ साथी हैं पूछते भी हैं। तो एक्चुअल जो टेस्ट था चिकन का या दाल फ्राई का या आलू फ्राइड का, फ्राइड राइस का, जो टेस्ट था हमने वही आपको बताया है। अगर आप आएंगे तो खुद आप समझ लेंगे कि बात से। अब निकल रहे हैं यहाँ से, ये अपनी हम गाड़ी में बैठ चुके हैं। अरे हाँ, उसका ऑनलाइन ऑप्शन हो रहा है अभी, हमारे तो वक्त नहीं मिला मुझे ड्राइव करने वाला, कल जाऊंगा मैं तो, कल जो है पेमेंट भरता हूँ कुछ। मैं भी अपनी ड्राइव किसी दिन आपको दिखाऊंगा, फिलहाल थोड़ा जल्दी में है, 300 रुपए भर के जाना है दूसरी जगह। ऑनलाइन ऑप्शन का जो है वो मिलेगा। कबूल इधर है नहीं, यहाँ से कट है ना। अच्छा, इधर से कट है। हेलो, तो चलते हैं। तो ऑनलाइन ऑप्शन का भी ऑप्शन है कल, वो भी देखता हूँ। इनको तो आप जानते ही होंगे, ये मरीन ड्राइव में डर रहे थे बहुत ज्यादा, वीडियो आपने देखी होगी। तो ये माननीय रिजवान साहब है पीछे बैठे हुए हैं, ये भी साथ में आए हुए थे। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे भांजे हैं सैफ भाई, हम इनको भाई इसलिए कहते हैं और एक उम्र के हैं और रिश्ता कम दोस्ती ज़्यादा है, तो इसलिए जो है सैफ भाई और ये हमें सैफ भाई बोलते हैं, मामू बोलते हैं, दोनों चीज़ें चलती हैं। इसलिए कि जब ये कभी कभी खान साहब भी बोलते हैं, हाँ कभी कभी खान साहब भी बोलते हैं, और खान साहब क्यों बोलते हैं वो आप लोग जानते हैं, इसलिए कि हम ढेरे पठान है भाई, खानदानी पठान है, खानदानी पठान बराबर, खानदानी पठान है खान साहब, खान हाँ खान साहब हैं। तो इसलिए अच्छा दूसरे में भेजोगे तो आएगी। हाँ, अब रिटर्न हो रहे हैं, वापस जा रहे हैं घर। ये मौसम आप लोग देख रहे हैं कितना शानदार मौसम है, सामने बादल आपको नज़र आ रहे होंगे, गाड़ी पर कुछ गाड़ी के फ्रंट शीशे पर कुछ बूंदें नज़र आ रही होंगी इसलिए कि बारिश हो रही है। फिलहाल बारिश बंद है, मुंबई की बारिश एक इस तरीके से समझ जैसे हवाओं के झोंके, आप बाग में बैठे हो और शाम के मौसम ये चौक है, कपोली फाटे का पेट्रोल टैंक वगैरह यहाँ है। मैं कह रहा था कि मुंबई की बारिश जैसे हवाओं के झोंके, हवाओं के झोंके जैसे बाग में बैठे हो आप, एक हवा का झोंका आता है और खत्म, मतलब एक ठंडक आपको महसूस होती है आपके जिस्म से, मुलाजिम लगती है हवा और गायब हो जाती है। इसी तरीके से मुंबई की बारिश है, आप यूँ समझिए कि जब बारिश आती है तो आपको इतना मौका नहीं मिलेगा कि आप किसी सायेदार जगह पर जा सके जिससे आप बारिश से बच सके। ये बारिश की यहाँ की खासियत है कि बारिश आई आप 10 कदम नहीं चल पाएंगे और आप भीग जाएंगे। बारिश का भी कहना होता है कि हम आपके पास आए हैं और आप हमसे दूर जा रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। आप अगर हमसे मोहब्बत करते हैं तो पूरे पूरे हमारे अंदर आ जाइए, तो बारिश आपको जो है मौका नहीं देती है, बिल्कुल बारिश भिगा देती है। ये मुंबई की बारिश की खासियत है। एक ये होटल है, आपको एक बैनर दिख रहा होगा, UKS अंकल्स किचन, बहुत शानदार होटल है, किसी दिन यहाँ विजिट करेंगे तो आपको दिखाएंगे। रिसॉर्ट है पूरा। सैफ भाई क्या कहते हैं, क्या इसकी खासियत है? खासियत ये है कि यहाँ पे मंत्रियों की बेटी की शादी और बड़े बड़े जो है हीरो के फंक्शन। हाँ, तो सैफ भाई का कहना है कि जो सेलिब्रिटीज होते हैं जैसे सियासतदान हों या फिल्म इंडस्ट्री के हों, तो उनके जो फंक्शन होते हैं अगर वो ये चाहते हैं कि
लोनावला और खंडाला के दरमियान में हूँ, तो वो इस रिजॉर्ट को अक्सर बुक करते हैं, यहीं होते हैं अक्सर खास तौर से। जी जी, तो खास तौर से इसलिए कि इसके अंदर वाटरफॉल वगैरह भी है और सारी चीजें हैं, पार्किंग और काफी बड़ा है, पार्किंग एरिया काफी बड़ा है। और एक जो खोपोली की सबसे खास बात यह है कि खोपोली जो है अपना चारों तरफ से माउंटेन से भरा पड़ा है। ये देखिए, आपको ये पहाड़ दिख रहा होगा, एक सामने आप देख रहे हैं वहाँ भी पहाड़ है, तो चारों तरफ से जो घिरा हुआ है, ये एक टपरी दिख रही है अंडे की। इनके अंडे बहुत फेमस है, इनके बॉयल्स एग हैं, फ्राई एग्स हैं, बहुत ज्यादा फेमस है। खान साहब, एक बात और बताना चाहे आपको। जी जी, खोपोली की खास बात और ये है कि खोपोली पुणे और मुंबई के बीच का सेंटर है। हाँ, ये पुणे और मुंबई के बीच का सेंटर है, यहाँ बहुत सारे हब्स हैं, जैसे होटल्स वगैरह हैं, फूड के बहुत सारे, तो अगर सारे विजिट की जाए तो काफी टाइम जाएगा, तो लेकिन वो भी करेंगे आप लोगों के लिए किसी वक्त में टाइम निकाल के, अभी टाइम थोड़ा शॉर्ट है, इंशाल्लाह वो भी करेंगे। इंशाल्लाह दुआ करिए हमारा खुद का जो है बंगलो हो जाए, इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे। हाँ, एक लैंड जो है सैफ भाई ने खरीदा हुआ है, उस पर भी काम शुरू नहीं हुआ है, इसलिए कि मुंबई की बारिश जैसे हमने बताया बहुत ही हार्ड होती है, 3-4 महीने बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से जो ज़मीनी काम है प्लॉटिंग के या कंस्ट्रक्शन के, ये सारे काम जो है थोड़े से स्लो हो जाते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। हाँ, लेकिन मुंबई के लोग बारिश की वजह से अपनी ड्यूटीज़, अपनी नौकरी छोड़ते नहीं हैं, वो बराबर टाइम पर जाते हैं। वेलकम खोपोली, एक नया यहाँ पर रेस्टोरेंट खुला है, वेलकम खोपोली, वहाँ भी किसी दिन जाएंगे। ये देख रहे होंगे आप, ये पेट्रोल टैंक है, इसके बाद ये लाइटिंग आपको दिख रही है, ये रहा वेलकम खोपोली, आपको नज़र आ रहा होगा ये वाला वेलकम खोपोली, ये आपने देखा, ये भी शानदार है। जैसा कि हमने बताया बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, और इसलिए कि पुणे और मुंबई, मुंबई सेंट्रल का ये सेंटर है बिल्कुल खोपोली, और टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पर। और एक अच्छी बात बताएं कि जब हम बहुत छोटे थे तब से यहाँ पर रेल सर्विस शुरू है। ये एक वीरा जो दिख रहा है आपको, हाँ, यहाँ पर खफसा राइस मिलता है 800 रुपये में। अच्छा, तकरीबन मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से मैं खाता हूँ, 12 लोग खा लेंगे खाना। ये खफसा राइस को चैलेंज से देता है कि आप 800 रुपये में कम से कम 8 लोग पेट भर के खा लेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक राइस मिलता है, सैफ भाई बता रहे हैं, पीछे गया है, तो बहुत टेस्टी बनाते हैं वो, और बहुत काफ़ी बड़ी डिश होती है उनकी, करीब 6-7 लोग उसको खा सकें पेट भर के। सैफ भाई की माशाल्लाह हमारी खुराक बहुत अच्छी है, तब ये निपटा सकते हैं तो फिर बाकी लोग का भी पेट इंशाल्लाह भर ही जाएगा। सामने आप देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल हम पहाड़ों के दरमियान में जा रहे हैं, पहाड़ के दामन में, लेकिन रोड हमारा कटा हुआ है, पहाड़ बहुत दूर है, आँखें देखती बहुत दूर का है, लेकिन कैमरे में ऐसा लगता है कि बहुत करीब है। और हम शिवाजी चौक पहुंचने वाले हैं बिल्कुल शिलफाटे पे, ये हमारा टर्न है, उधर से नो एंट्री है, वो हमें थोड़ा सीधा सही पड़ता है, बिल्कुल मस्जिद के सामने पहुंच जाते हैं, जामा मस्जिद जो है शिलफाटे की, और ये यहाँ से हम जाएंगे तो शिवाजी चौक पर हम पहुंचेंगे, वहाँ से टर्न लेंगे। ये शिवाजी चौक है, शिवाजी चौक इसको लोग कहते हैं, लेकिन ये जो है ये आपको दिख रहा होगा छत्रपति शिवाजी महाराज स्मारक है असल इसका जो नाम है, लेकिन जल्दी जल्दी में लोग इसको शिवाजी चौक के नाम से बुलाते हैं, पुकारते हैं। और सामने से ये रोड गया हुआ हमारे, ये रहा शिवाजी चौक और सामने शिवाजी स्मारक, तो हम लोग घर पहुंच गए। ठीक है, आपको आप वीडियो में देखिएगा, बताइएगा। आगे चौक है, आपको कहते हैं, एक इसके जस्ट आगे एक चौक है, उसको इंदिरा गांधी चौक है, लेकिन वहाँ पर ऐसा कोई इंदिरा जी का कोई ऐसा स्मारक, कोई ऐसा कुछ मूर्ति वगैरह नहीं लगाया हुआ है। ये इंदिरा गांधी चौक जिसके बारे में सैफ भाई बता रहे थे, और ये सामने देख रहे हैं 2 बैनर लगे हुए हैं, जिसमें से नीचे बैनर पे छोटा जो राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में फोटो आपको दिख रहा है, ये हमारे दूसरे वाले भाई है, साफ नहीं आया फोटो, ये मस्जिद अपनी यहाँ की, ये जो मीनारे दिख रहे हैं ये जामा मस्जिद है शिलफाटे की, ये
दरख्त के ओट में हो गई है, दिखाते हैं आपको। ये बहुत शानदार है, 5 मंजिला मस्जिद है और हर फ्लोर पर करीब 35 पंखे हैं इसमें। जब हम छोटे तो ये मस्जिद बन रही थी, लेकिन माशाल्लाह बन के तैयार हो चुकी है। मिलते हैं आपको, अब वीडियो मुकम्मल करना चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो। ठीक है भाई, फिर किसी वीडियो में आपको मिलेंगे इंशाल्लाह।